ये इंसान खुद मेकअप परफ्यूम करके ये मेकिंग इट सो लेट। आई वाज डूइंग योर शूट, दैट्स व्हाई माय मेकअप परफ्यूम गॉट डिलेड। आई टुक ओनली 2 मिनट्स टू डू माय मेकअप। गट्स, मानना पड़ेगा। लेट्स गो, आई विल पुट द कैमरा लाइक दिस, लेट्स सी हाउ मच टाइम विल यू टेक। व्हाट आर यू डूइंग? दो परफ्यूम। अब दिस इज अ मिस्ट। दो परफ्यूम भाई। दिस इज अ मिस्ट फॉर माय क्लोथ्स। और कितना टाइम? अरे यार चल, कम यू डिड टर्न द एसी ऑफ। गो, आई विल वॉक ना। यू गो, हाउ कैन शी स्लैप? बाय मॉम। व्हाट आर यू डूइंग? गोइंग फॉर डिनर। इस इंसान ने खुद डिले करके, आई वाज डूइंग योर शूट व्हिच इज गोइंग ऑन योर चैनल। मैंने डिले नहीं किया, इनका शूट कर रही थी मैं, रिकॉर्ड खड़े होके खड़े। मैं मर क्यों नहीं गया भाई पहले? खड़े होके ये सुनना, सुनने से मुझे मर जाना चाहिए था भाई। खड़े कौन होता है भाई? मैं तो खड़ा रहता हूँ भाई, खड़े तो नहीं होता भाई। अब देखते हैं भाई, मैडम कहीं पे डिनर लेके जा रहे हैं। लेट्स सी व्हिच प्लेस। इट्स अ रेस्टोरेंट कॉल्ड ट्रेसन, इट्स फाइन डाइनिंग। फाइन डाइनिंग, लेट्स सी। 1 घंटे से घूम रहे हैं, ऐसा कौन सा जगह हम लोग जा रहे हैं खाने के लिए मैडम? अरे दोस्त, ट्रैफिक, भूख लग रहा है बहुत कुत्ते ऐसा। मैं सोच रहा था कि मैं कुछ खाऊंगा नहीं, रात को अच्छे से खाऊंगा अच्छे जगह पर। घूम ही रहे हैं गाड़ी में, कौन सी गलियों में घूम रहे हैं, कब पहुंचेंगे रेस्टोरेंट, कब जाएंगे वापस, कब सोएंगे नहीं पता। बट भाई से दिखा रहा है, काशी ने बोला कि रास्ता पता काशी को। आई डोंट से दैट। डिनर भाई, अब हम जाएंगे सीधा घर पे, आंटी का बनाया हुआ खाना खाएंगे और सो जाएंगे। बस हमने हमारा पहला कोर्स आ गया है, क्या बोलते हैं इसको? अभी वो बोलेगा तो तब आप सुनेगा, क्योंकि मैं याद नहीं रख सकती, वो सारे इंग्रेडिएंट्स के नाम लेता है, मैं तो ये याद रख लूँगा। हाँ तो ये हम लोग का पहला, ये पहला डिश है। 2-3 बाइट में टाको जैसे खाना है उसको। क्या खाओगे आप? चलो गाइस, मैं भी खा लेता हूँ, मैंने तो एक बाइट ले लिया। तो ऐसे कितने डिश आ रहे हैं? 10, 14। तो ऐसे अपने पास 14 डिफरेंट डिशेज आने वाले हैं, तो लेट्स सी। पहला वाला तो जेन्युइनली अच्छा था, मेरे को फूड ब्लॉगर बनना चाहिए ना, मैं टेस्ट में मेरे को खाना बहुत पसंद है। मैं अगला क्या आ रहा है मैडम को नहीं पता, अगला क्या आ रहा है? वेरी नर्वस। ओके बाय। सब झूठ। ये देखो ये गंदा इंसान डोर से अपनी नोज ही पोंछ रहा है इन द मिडल ऑफ दिस फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट। जी बोलिए। मैं भी अगर गीला कपड़ा दिया है तो भी आदमी मुंह तो पोंछ लेगा ना यार। हाँ नींद आ रही है, पोंछो, बट उसमें जोर से सबके सामने नाक थोड़ी साफ करोगे। नहीं साफ करोगे। ये अभी तक का बेस्ट, अभी तक का, अभी इस पॉइंट तक का बेस्ट यही आया है। एक ही तो कोर्स आया है। खाना कब खाने मिलेगा मुझे? अभी आ रहा है ना यार, रिलैक्स, आपका पेट भर जाएगा एट द एंड ऑफ इट। आपका पेट भर जाएगा। बोला कुछ खाना मत, वहाँ खाना बहुत बहुत सारा खाना। ठीक है, मैं तब से बैठा हूँ, मैं बताया कितना से भूखा बैठा हूँ। ओह नो, 4-5 बजे से भूखा बैठा हूँ। आपने हाँ तो लैम शामी कबाब। ओके, लैम शामी कबाब, चटनी, टॉपिंग, बेकन। ये छोटा बर्गर है, छोटा बर्गर खाते हैं, देखते कैसे लगता है। तो बर्गर जैसा नहीं खाएंगे। पाव भाजी है, कड़क भाजी, बस अंदर भाजी की जगह पे कुछ और है। इट वाज लैम्ब। सीना द क्वालिटी मच बेटर। No, I am the darkness. Get it? Buddy Batman. You're looking like a ninja turtle. Mbappe ki behen. Kashi ka Mbappe ki behen ban gayi. Every time you give me names and then everyone calls me Batman. Main kya bolta hu? Wo wale moment ko cut karke please meme bana ke mujhe tag karo.
ये अगला चीज़ आया है, इसका नाम है आमरस। दिस इज आमरस, तो वो आमरस के जैसा समझ आ रहा है, दिस इज समथिंग स्वीट। ओके, ये मेन्यू आया है, तो ये सब चीज़ें भी आने वाला है, राइट। हम लोग ने अभी तक क्या खा लिया है, दो खा लिया, ये अभी आया आमरस, अचापम, ब्लैक लाइम चटनी। कम ऑन, दिस टाइम यू हैव अ फर्स्ट बाइट एंड टेल हाउ इट इज। अब रियल रिव्यू, कच्चा मैंगो बाइट खाया बचपन में, मैंगो बाइट एग्जैक्टली दैट। तुम्हारा भाई देसी तरीके से बता रहे, तुम कनेक्ट कर पाओगे, ये अमीर लोग को पता नहीं होता ना। मैंगो बाइट को ठंडा कर दिया, उस टाइप का फील था, मैंगो बाइट को ठंडा कर दिया उस टाइम का। हाउ बट हाउ मच इज दिस डिश फॉर द एंटायर स्टफ? व्हाट, 15 जगह खाना खा रहे हैं हम लोग, सुबह शाम रात, कल का भी पूरा 3 टाइम का मील, अलग से टपरी पे कटिंग, 15,000 में है ना, 5 लोग को करवा दी। पानीपुरी, सो पानीपुरी एक्चुअली इंस्पायर बाय एशियन फ्लेवर्स, फिल्ड विद चिल्ड मिक्स ऑफ सुशी राइस, नूरी एंड कॉर्न इंडिस एंड येलो फिन टूना द रेड वन, एंड सर्व विद सम ऑरेंज कॉर्न। सो व्हाइल हैविंग दिस, मेक द पानीपुरी विद द फोक एंड स्पून एंड हैव इट लाइक अ सैलेड। इट्स अ फोकी बोल मोर ऑफ सैलेड। मेरे बोलने से पहले तुम समझ गए होगे, पोकेमोन क्या बोलते हैं इस राइस को हम लोग? जापानीज टिक्की राइस। मजाक से हट के पता है ये कौन सा चावल है? ये अपना पखाल भात है, जितने भी ओडिशा से या फिर वेस्ट बंगाल से उनको पता होगा, अपन पखाल भात खाते हैं ना बचपन में, तो बचपन में खा रहा था, बहुत टाइम में नहीं खाया, मिस करता हुआ। पखाल भात, बैंगन का भरता, प्याज और चिकन, बेस्ट। मजाक सेट के अगला जो खाना है ना, मंदिर में चढ़ाते हैं ना दिया, वैसा लग रहा है। बस यहाँ व्हाट, ये बस यहाँ पे एक ऐसा आग लगानी है और लेके जाना है पानी में बहाने हैं। मेरे को अभी पता चला है हम लोग खा रहे हैं टेस्टिंग मेन्यू, उसमें सिर्फ टेस्ट करने का चांस मिलता है। अरे पेट भर जाएगा आपका, 14 अलग अलग थोड़ा थोड़ा खाना आने वाला है। हम लोग को अब पता चला है इसका 15,000 का बिल बन रहा है। मैं सोच रहा हूँ दुनिया में हर तरीके से चूतिया बनना था, बट ऐसा नहीं बनना था चूतिया। मैं भाई झूठ मूठ तो नहीं करता, ऑनेस्ट ओपिनियन दूंगा। नॉर्मल सैलेड है ना नीचे, तो नॉर्मल सैलेड है नीचे। व्हाट इज नॉर्मल इन दिस? नॉर्मल है जो सैलेड बनता है, ये ऊपर वाला वैसा लग रहा है। और ट्रेन में जसरूप में आता ना, अलग कलर का उंगली में डालते हैं हमें पापड़, उसको ऐसे गोल चक्की बना के डालते हैं। ये कुछ मेरे को इंटरेस्टिंग लग रहा है, क्या ये काशी? प्रॉन्स एंड एस्पैरेगस। एस्पैरेगस सैलेड, जो ये ऊपर ये वो है और नीचे है जीरा एंड आलू। ओके, और ये कौन सा सॉस? ये है रसम, रसम का जानते हो ना? हाँ, रसम।
खा के दिखाओ कैसे खाना है। अच्छा पहले ऐसा खाना है, कैसे खाना बताओ। ये और ये यू कैन यूज द अदर हैंड। पी लेना इसको ऐसा। व्हाट सांबर है? रसम या सांबर है? यू डोंट नो रसम और सांबर? दिस इज द बेस्ट यू नो अच्छा। अभी इसके अगेंस्ट कुछ बोल नहीं सकते हो तो ऐसा ही बोलना पड़ेगा। नहीं ये अच्छा था, सही में अच्छा था। क्या है ये? हम स्कैलप वेलिंगटन। क्या होता है बेलिंगम? वेलिंगटन कैसे समझाओ यार? देसी वे में समझाओ यार। हाँ आलू का पकौड़ा। ठीक है चलो मैं खा के देखता हूँ सबसे पहले, ऑनेस्टली चेक करता हूँ कि क्या है। बेसन, बेसन का कोटिंग है, उसके अंदर प्रॉन है शायद और घास पत्ता। हमें पास्ता खा रहे हैं, देखोगे मेरे को पता है पास। ये वो वाला मीम याद आ गया, वो जो कार्टून में आता था ना, महंगे रेस्टोरेंट में लोग बैठते थे और छोटा सा इतना सा डिश आता था, उसको काट कूट के खाते थे। अरे पर 14 दिन से हैं, आप रिलैक्स कर रहे हैं। डू ना ओ कैन यू इट गाइस, मैं कार्टून वाली लाइफ जी रहा हूँ। आई लाइक एवरी फूड इन द वर्ल्ड, बस जस्ट आई डोंट लाइक द मनी। तो मेन कोर्स की शुरुआत करने से पहले हम खाने वाले हैं खांडवी विद खांडवी आइसक्रीम एंड रॉ पटेल चिली। अरे मजा आने वाला है, क्योंकि मैं आइसक्रीम आ गया है। ये ठंडा कोर्स है ताकि हम मेन कोर्स की तैयारी कर सकें। चल हम खाना खा रहे हैं, खाना खाने के लिए रेडी हो रहे हैं, दूसरा खाना खा के कि हम खाना खाने रेडी हो जाएं। तो मैं लाइफ में पहली बार देखा मिर्ची और आइसक्रीम साथ में। नाइस राइट? भाई वेट करते रहते नींद आ गई, मजाक सेट के। एक्सक्यूज मी हाउ डेयर यू यॉन, सच एन एंटरटेनिंग पर्सन सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू एंड यू यॉनिंग। मैं तब से वेट कर रहा है, अब आया अभी, कुछ लग रहा है खाना आया था खाने के लिए। क्या काशवी है? It's a peanut butter sauce and Malabar parotha. Good? Very good. Good. Okay. कैसा लग रहा है आपको so far? कुछ चीज़ अच्छी लगी, कुछ चीज़ें खराब लगी। पहली बार मिर्ची और आइसक्रीम साथ खाया, हाँ अभी जो खाना था वो बहुत अच्छा था, वो खाना खाना था। बट टू बी ऑनेस्ट एक्सपेंसिव लगा। मैं 4 पास्ता के 1000 रुपये नहीं लेता, जो काशवी हीरानंदन देखी। मॉम नोस? अरे यार माय मॉम ईट्स एट सच रेस्टोरेंट्स एवरी डे। ठीक है, टॉकिंग टू वन हीरानंदन अबाउट अनदर हीरानंदन। हां सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट अभी आ गया ना। यस ग्रीन एप्पल फ्रॉम हिमाचल प्रदेश, किन सीड्स फ्रॉम राजस्थान, एप्रिकॉट फ्रॉम उत्तराखंड, लहसुनी चटनी फ्रॉम महाराष्ट्र, कैशन फ्रॉम गोवा, करीरी फ्रॉम कर्नाटक, यगम्स चिली फ्रॉम आसाम, फेश कार्ड बटर फ्रॉम पंजाब एंड लास्ट नॉट द लीस्ट क्लारिफाइड बटर घी फ्रॉम हरियाणा। सो आज एक मिक्सड और चिकन आर्डर करना है। ओके व्हाट वाज फ्रॉम पंजाब? बटर। व्हाट वाज फ्रॉम गुजरात? द स्वीट टॉपिकल। व्हाट वाज फ्रॉम महाराष्ट्र? द लहसुन चटनी। हरियाणा? हैदराबाद? आई डोंट नो। व्हाट शिट दैट वाज द इजीएस्ट। व्हाट
समथिंग रिलेटेड टू बिरयानी खा के देखते गाइस कैसा है, लेट्स सी। बेस्ट खिचड़ी फिल्म आई वुड से 100% देयर इज लाइक नो डाउट डज इट नो डाउट पूरा भारत है।